दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे सामने एक ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर रखा हुआ है, जो कि एक मेन लाइन पर लगने वाला 5 KV का ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर है। ये एक डबल फेस या फिर टू फेस वोल्टेज स्टेबलाइजर, आप देख सकते हैं इसका वोल्ट मीटर 5 वोल्ट तक दे रखा है। तो ये हमारा डबल फेस वोल्टेज स्टेबलाइजर है। तो देखते हैं अंदर से कैसा दिखाई पड़ता है और इसमें क्या फॉल्ट है। सबसे पहले हम इसे चेक करते हैं, अंदर से आपको बाद में दिखाएंगे, पहले देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। दोस्तों देखिए, हमने इनपुट पर इसका स्विच सेट कर रखा है, यानी इस वोल्ट मीटर में आप इसकी इनपुट वोल्टेज देख पाएंगे और ये वोल्ट मीटर हमने स्टेबलाइजर के आउटपुट पर लगा रखा है, इससे आपको आउटपुट वोल्टेज देखने में आसानी रहेगी। अब सबसे पहले हम डिमर को बिल्कुल जीरो कर लेते हैं, इसके बाद इसे ऑन करेंगे और वोल्टेज हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ये देखिए, देखिए इसमें ये फॉल्ट आ रहा है, हमारा स्टेबलाइजर लो वोल्टेज निकाल रहा है। इसे लो वोल्टेज नहीं निकालना चाहिए, आउटपुट 250 वोल्ट पर आकर कट होना चाहिए, लेकिन ये स्टेबलाइजर हमारा 200 वोल्ट पर कट कर दे रहा है। तो इस तरह से इसमें लो वोल्टेज की और देखिए ये हाई वोल्टेज की दूसरे स्टेप पर शिकायत आ रही है, यानी ये स्टेबलाइजर हमारा किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, हाई वोल्टेज भी दे रहा है और लो वोल्टेज भी दे रहा है। तो हमें यही फॉल्ट इसका रिमूव करना है। तो चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं कि अंदर से कैसा दिखाई पड़ता है। अच्छा, इसमें एक कमी और है, जो कि इसका मैन्युफैक्चरिंग टाइमर या यानी टाइमर वगैरह इसमें होना चाहिए। देखिए टाइमर तो मस्त है, लेकिन इसमें टाइमर नहीं है। देखिए MCB ऑन करते हैं, साथ ही इसमें आउटपुट बाहर निकाल दे रहा है, जो कि बहुत गलत है। तो चलिए आपको भैया अंदर से दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, अंदर से कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। इसमें 4 ऑपरेटिंग रिले दे रखी हैं और एक हाई कट की रिले दे रखी है। इसमें 2 ट्रिगर ट्रांसफार्मर दे रखे हैं, ट्रिगर ट्रांसफार्मर दोनों इसके सीरीज में है। देखिए ये सीरीज में दे रखे हैं। सीरीज में लगाने का मकसद ये रहता है कि अगर हमारा ट्रांसफार्मर आमतौर पर सिंगल फेज के हिसाब से रहता है, लेकिन अगर हम 2 ट्रांसफार्मर सीरीज में लगा देते हैं तो इनकी रेंज डबल हो जाती है, यानी ये करीब 500 वोल्ट तक अपना काम करते हैं, 500 वोल्ट की खराब नहीं होते। और डबल फेस के स्टेबलाइजर में आमतौर पर लोग अगर ट्रिगर ट्रांसफार्मर यूज करते हैं तो इसे सीरीज में ही लगा देते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें ये सर्किट यूज किया गया है, ये 4 रिले ऑपरेट करने के लिए सर्किट दे रखा है। इसमें 4 प्रीसेट दे रखे हैं अलग अलग रिले को ऑपरेट करने के लिए, यानी एक सर्किट के अंदर ये 4 सर्किट है। और देखिए इसमें एक ही छोटा सर्किट दे रखा है, ये सर्किट केवल हाई कट के लिए है, इसमें किसी प्रकार का कोई टाइमर वगैरह यूज नहीं किया गया है। चलिए तो अब इसे देखते हैं, चेक करते हैं सर्किट में क्या फॉल्ट है। वैसे ये सर्किट मेरे हिसाब से इसमें काफी गलत लगा हुआ है, ये सर्किट लगाने में काफी टाइम भी लगता है, इसमें ट्रिगर ट्रांसफार्मर की जरूरत भी पड़ती है। अगर इसकी जगह इसमें माइक्रो कंट्रोलर सर्किट लगा होता तो शायद इसमें ये फॉल्ट नहीं आता और सब कुछ काफी आसानी से हो जाता है। उसमें हाई कट और टाइमर सब कुछ आता है माइक्रो कंट्रोलर किट में, और ये काफी पुराना स्टेबलाइजर है। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे यार इसमें माइक्रो कंट्रोलर किट कैसे लग जाएगी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी स्टेबलाइजर में माइक्रो कंट्रोलर किट लगा कर बताएंगे, चला कर बताएंगे इस पुराने स्टेबलाइजर में। तो चलिए पहले इस सर्किट को चेक करते हैं, देखते हैं फॉल्ट कहां पर है। देखिए दोस्तों, सर्किट को चेक करने से पहले सर्किट के नीचे हम कोई गत्ता वगैरह लगा देते हैं या फिर कुछ भी ऐसे लगा देंगे ताकि ये बॉडी से टच ना हो। अगर बॉडी से टच होगा तो फॉल्ट आने के चांस और ज्यादा रहेंगे। दोस्तों सबसे पहले मल्टीमीटर को हम AC वोल्ट पर सेट करेंगे, 200 वोल्ट AC पर हम सेट करेंगे। उसके बाद हम इस सर्किट पर जितनी भी हमारी इनपुट सप्लाई आई हुई है, यानी मेन ट्रांसफार्मर से 2 सप्लाई आती हैं और ट्रिगर ट्रांसफार्मर से 1 सप्लाई आती है, वो चेक करेंगे। किसी भी सर्किट को चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, पहले हम उस पर इनपुट सप्लाई चेक करें, अगर इनपुट सप्लाई उस पर आती होगी उसके बाद ही हम आगे का चेक करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसकी मेन ट्रांसफार्मर की सप्लाई चेक करेंगे, ये देखिए ये 13 वोल्ट के आसपास सप्लाई आ रही है, सही आ रही है। अब दूसरी सप्लाई चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर भी सप्लाई आ रही है। और इसके बाद हम जो ट्रिगर ट्रांसफार्मर की सप्लाई है वो चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं आ रही है, इसका मतलब हमारा ट्रिगर ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जब तक इसमें ट्रिगर ट्रांसफार्मर की सप्लाई और मेन ट्रांसफार्मर की सप्लाई नहीं आती है इनपुट वोल्टेज, तब तक हमारा सर्किट काम नहीं करेगा। तो फिर इसका ट्रिगर ट्रांसफार्मर चेक करते हैं, इस स्टेबलाइजर को हम ऑफ कर देंगे। देखिए दोस्तों, एक फॉल्ट इसमें सामने दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए ये जो वायर है ट्रिगर ट्रांसफार्मर का वायर जो सर्किट में गया है, ये डिस्कनेक्ट है, ये टूटा हुआ है। तो इसलिए पहले हमें इसे सही करना होगा, इसे कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था ट्रांसफार्मर सीरीज में लगे हुए हैं, तो फिर ये देखिए एक ट्रांसफार्मर और दूसरा वायर इसका, ये देखिए ये यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे, जब यहाँ पर सप्लाई पूरी जाएगी उसके बाद फिर हम इस स्टेबलाइजर को चेक करेंगे। तो पहले इसे कनेक्ट कर देते हैं, ये देखिए दोस्तों वायर हमने कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर हम ट्रिगर ट्रांसफार्मर की सप्लाई चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर की सप्लाई आ रही है या फिर नहीं आ रही है, उसके बाद में फिर
अगर सप्लाई आती है तो ठीक है, वरना फिर हम ये ट्रांसफार्मर चेंज कर देंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब हम डिमर को जीरो कर लेते हैं और इसके बाद में इसे ऑन करके जीरो से वोल्टेज बढ़ाएंगे। ये देखिए, पहले जो फॉल्ट आ रहा था हमारा स्टेबलाइजर कट कर दे रहा है 200 वोल्ट पर, अब वो फॉल्ट नहीं आया। अब हम ट्रिगर ट्रांसफार्मर की सप्लाई और चेक कर लेते हैं। ये देखिए, पहले यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही थी, अब सप्लाई यहाँ पर आ गई है। तो दोस्तों, इससे ये मालूम पड़ता है कि जब तक कोई भी सर्किट हो उसमें प्रॉपर इनपुट सप्लाई नहीं आएगी, सर्किट हमारा वर्क नहीं करेगा। अब एक बार इसके वोल्टेज बढ़ा के भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये कट भी कर रहा है और पहले ये कट भी नहीं कर रहा था। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा फॉल्ट रिमूव हो चुका है, हमारा डिस्प्ले रिपेयर हो चुका है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो हम जो बनाएंगे, हम इस पुराने स्टेबलाइजर में से ये सब पुराने सर्किट हटा देंगे, इसमें हम अपना लेटेस्ट माइक्रोकंट्रोलर किट लगाएंगे। वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, बहुत काम का वीडियो आएगा आपका। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।